हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो हमारे 75 डे चैलेंज का था, डे 11, और हमने फटाफट से योगा करके बैठ के पढ़ने। अभी फर्स्ट सेशन में जो है सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करेंगे और फिर थोड़ी इंडियन पॉलिटी रिवाइज करेंगे, साथ में पियेंगे ग्रीन टी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आप कौन से डे में हो और आप ये चैलेंज कर रहे हो या नहीं। और अभी मैं आपको बता दूं, जो कि इंडियन पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, उस पर काफ़ी डिस्काउंट आया हुआ है अमेज़ोन पे। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ नहीं मिल पाती है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली पीडीएफ अपलोड होती है। तो गाइज़, अभी जो है लगभग मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, 7 बज चुके हैं और अभी हम निकलेंगे कोचिंग के लिए। तो आज जो हमारा वो कोचिंग का शेड्यूल है वो 14 आवर्स का होने वाला है लगभग, क्योंकि सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास लगेगी, फिर इंडियन सोसाइटी की, उसके बाद करंट अफेयर की हो जाएगी और उसके बाद सीसेट की। तो मैं आज पूरा रूटीन दिखाता हूँ, आज वीडियो आप लास्ट तक देखना, ठीक है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आपको मैं सनराइज दिखाता हूँ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है बालकनी से। ये खिचड़ी है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। ये था हमारा बड़ा सा क्लासरूम जहाँ हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास लगने वाली थी, जो कि तौकीर सर लेने वाले थे। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास खत्म होते ही हमें दृष्टि की दूसरी बिल्डिंग में जाना था जहाँ हमारी इंडियन सोसाइटी क्लास लगने वाली थी। हमें लगी थी भूख, हमने खाए दोनों लोगों ने मिलके पोहे और फिर की इंडियन सोसाइटी क्लास। फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हो चुका था कि हमें बिना करंट अफेयर की क्लास छोड़ के ही घर जाना पड़ा, जैसा कि मैं आपको लोगों दिखा रहा हूँ। फिर हमें लेने आ चुकी थी पर्सनली दिल्ली मेट्रो और उसमें बैठ के हम घर गए। तो वैसे तो मेरी करंट अफेयर की क्लास थी अभी सोसाइटी वाली के बाद में, लेकिन मैं जो है वो घर आ गया। अब मैं रीज़न बताता हूँ आपको घर क्यों आ गया। तो ये जो मैंने पैंट पहन रखी है ना, यहाँ से ये पैंट यहाँ से फट गई, ठीक है, चलते समय। तो मैंने सोचा घर चल के इसको चेंज कर लेते हैं, करंट अफेयर की क्लास छोड़ देते हैं, फिर सीसीटी क्लास ले लेंगे। ऐसा कुछ हुआ है, आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए आज करंट अफेयर की क्लास तो छोड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ से जाते समय ये पैंट फट गई थी, तो मैं इसको चेंज करूँगा। अभी हम ये रोटी और मिर्च खाने वाले हैं, साथ में थोड़ा दही। लंच कंप्लीट करने के बाद हमने लिखे इंडियन सोसाइटी की आज की क्लास के नोट्स। उसके बाद जो है वो हमने थोड़ा बहुत पहले का सीसेट रिवाइज किया और उसके बाद बाहर बालकनी में गए तो हमें एक इंसेक्ट दिखा। अगर आपको इसका नाम पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस, अभी जो शाम हो चुकी है और मैं सीसेट की क्लास में नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे जो टॉन्सिलिट्स हो गए हैं तो मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं घर पे ऑनलाइन ही देखूंगा सीसेट की क्लास। और एक अभी इन्फॉर्मेशन हो रही है कि कल जो है 10 बजे से इंडियन सोसाइटी की एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है। अब वो कितने घंटे लगेगी पता नहीं है सर, तो लगभग 5-6 घंटे बोल रहे थे, देखते हैं क्या रहता है कल। और जो आज वो पैंट फटने की वजह से करंट की जो क्लास है वो मिस हो गई, वो भी पता नहीं कैसे फटी, यही नहीं पता मेरे को। देखो चांद दिख रहा है, ये देखो अभी दिन और चांद दिखने लग गया है। इसी चांद से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो अमावस्या है और पूर्णिमा है उनमें क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ। क्लास आ चुकी है जैसा कि आप टाइम देख सकते हैं और ये सीसेट की क्लास है। इसके साथ करेंगे हम ये असाइनमेंट जो कि कल पैसेज PYQ के पूरे नहीं हुए थे। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। तो गाइस, अभी हमारी जो है वो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और अभी जो है मेरे गले में काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़े गरारे करूंगा खाना खाने के बाद। आपको पता है कि गरारे क्या होते हैं, मुंह में पानी लेके और फिर ऐसे हवा बाहर निकालते हैं तो गुड़गुड़ करता है पानी, ठीक है। और जैसा कि कल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कल मेरी क्लास है, तो मैं अभी जो कमेंट्स का आंसर देना वो मैं दे देता हूँ, कल शायद लाइव ना पाऊँ। तो जो पहला कमेंट है वो अभी लास्ट में आया मयंक शेखर का, जो कि मेरे नाम से ही है, उनको मैंने वैसे भी रिप्लाई दे दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ। उन्होंने पूछा है भैया डाउट कैसे पूछते हैं दृष्टि में, तो दृष्टि में मैं बता दूँ जो ऑफलाइन स्टूडेंट हो वो टीचर से डाउट पूछ सकते हैं क्लास में, या फिर टीचर जब ऑफ नहीं हो, कोचिंग लग रही हो, दूसरी क्लास हो, दूसरा सब्जेक्ट चल रहा हो, तब भी जाके डाउट पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन वाले जो है वो कमेंट का साइड में सेक्शन आता है, उसमें आप डाउट टाइप कर सकते हैं, बैच कोऑर्डिनेटर सर को फॉरवर्ड कर देगा, सर क्लास में बता देंगे। या फिर जो है वो अगला तरीका है, वो जूम सेशन होता है, सैटरडे या संडे को जूम सेशन होता है ऑनलाइन वालों का, वो उसमें सर से जो है वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम अगले कमेंट्स पे चलें तो कंचन चौहान ने पूछा है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फीस एंड फैसिलिटीज
एंड आई एम सर्चिंग फॉर गुड कोचिंग। तो अच्छी कोचिंग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो दृष्टि में गया हूँ अभी तक, तो मैं दृष्टि का ही बता सकता हूँ। बाकी आप और थोड़ा अपने एंड से रिसर्च करिए। बाकी जिस हिसाब से दृष्टि की फीस और फैसिलिटीज है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका किसी का अलग भी हो सकता है ओपिनियन, आपको कोई दूसरी कोचिंग अच्छी लगती हो, इट्स पर्सनल ओपिनियन। और रावत पुरगांव ने पूछा है दृष्टि वर्सेज विजन आईएएस, तो भैया इसका भी आंसर यही है, मैं दृष्टि में गया हूँ और विजन से शायद फीस कम है दृष्टि की। और अगर आप विजन के कोर्स तो लगभग टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे सभी चीज़ों के कोर्स मिल जाते हैं, और जो कुछ कोर्स सीसेट वगैरह फ्री में है वो मैंने भी अपने टेलीग्राम पे लिंक डाल रखी है उन ग्रुप्स की, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम, ताकि आपको ऐसी ग्रुप की लिंक्स अपडेट होती रहे। और करण दिवर जी कह रहे हैं कि 10 नवंबर से मैं भी चैलेंज स्टार्ट करूंगा, वेलकम आपका, अगर आप चैलेंज स्टार्ट करते हैं तो। बस यही थे क्वेश्चन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।